पाकिस्तान में टमाटर 200 रुपए किलो, पाकिस्तान में आटा 500 रुपए किलो, पाकिस्तान में भुखमरी हो रही है, पाकिस्तान में हो रहा है। पहले अपना देश देखो ना, तुम्हारे देश में क्या हो रहा है, बाद में करना पाकिस्तान की बात। हमने अपना टीवी बंद कर दिया, हमने अपना टीवी तोड़ दिया, फोन में देखते हैं, ये है पूरी दुनिया की ताकत। हटाए मोदी, 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 हटाए मोदी। हम इस मोदी नाम से ना हम परेशान हो चुके हैं। अब बेटियां इंसाफ मांग रही है, वो कैसे शेर हैं? शेर नहीं है वो, वो गीदड़ है, वो गीदड़ से भी बदतर है। जब तक ये मोदी सत्ता में बैठे रहेंगे, इनके लोगों पे जांच होगी, कार्रवाई कोई नहीं होगी, ये पूरी जांच ही करते रहेंगे। देखो जंजीरों में जकड़ रखा है, वो भी नहीं सॉरी बदनाम कर रही है। आप लोगों की हिम्मत है, मैं सलूट करती हूं। हम भी सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया जिंदाबाद, सोशल मीडिया जिंदाबाद, मुर्दाबाद। मीडिया पे हमें भरोसा नहीं है। अगर गोदी मीडिया अपना सही से काम करे, देखते हैं हमको मोदी जी सत्ता से बाहर हो जाए। अरे आप ही लोग देखते हैं हमको, उछाल लगा। हम नहीं देखते, हम तो सोशल मीडिया, हम आपको देखते हैं, हम आपकी न्यूज़ देखते हैं, हम उनको नहीं देखते। जब तो हिंदू मुसलमान वो करते हैं ना, हमने देखना ही बंद कर दिया, हमने अपना टीवी बंद कर दिया, हमने अपना टीवी तोड़ दिया, फोन पे देखते हैं। ये है जनता की ताकत, ये है पूरी दुनिया की ताकत। आप पहुँचाते हो हमारी बात, आप पहुँचाते हो इंसान की बात करते हो। आप लोग टीवी तोड़ दिया, हमने टीवी नहीं देखते। मोदी, 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 हटाए मोदी। हम इस मोदी नाम से ना हम परेशान हो चुके हैं। मोदी के अलावा कुछ टीवी पर दिखा देने, पाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना के ऊपर बात नहीं होती, चाइना के ऊपर मोदी मीडिया बात नहीं करती है, कारोबार के ऊपर बात नहीं करती है, बेटी के साथ शोषण हुआ उसके ऊपर बात नहीं करती है, वो किसी के ऊपर बात नहीं करती। हिंदू मुसलमान धर्म की राजनीति करती है और धर्म के आगे उसे कुछ नहीं है। बस बीजेपी वाले ने यही सिखाया कि आपस में लड़ो, हम अपनी कुर्सी की रोटियां सेके सत्ता की बात, वो यही करती है, बाकी उनसे कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ लोग है, जाहिर लोग है, वो क्या जाने देश कैसे आगे चलता है, देश को कौन पढ़े लिखे। पढ़े लिखे राहुल जी बाहर की डिग्री है, क्या बोलेंगे, वो नहीं आए। सिलेंडर की रानी तो आई नहीं, वो चूड़ियां लेके ब्रिजभूषण के पास जाए, ब्रिजभूषण के पास जाए, चूड़ियां लेके सिलेंडर लेके जाए, उसको ये बोलो। बोलेंगे कि उसे क्या मतलब है, जिसकी बेटी के साथ हुआ वो जानते हैं, यहाँ सबकी बेटी के साथ हुआ है। किसी और पार्टी से अगर होते हैं तो सबसे पहले विजय वाली गले फाड़ के हंगामा ही होता और कब के अरेस्ट हो जाते। क्यों? क्योंकि सारे गुंडे, सारे चोर, लुच्चे, डके, सब माफिया, सारे ही बीजेपी सरकार में। किससे नाराज है? ब्रिजभूषण से आप नाराज है? किससे नाराज? हम सबसे नाराज है, सरकार से, पूरी सरकार से नाराज है। कोई एक्शन नहीं ले रहे बेटी के लिए, जांच चल रही है, जांच तो पता नहीं कब तक चलेगी, उनकी जांच ही चलती रहेगी। जब तक ये मोदी सत्ता में बैठे रहेंगे, इनके लोगों पे जांच होगी, कार्रवाई कोई नहीं होगी, ये पूरी जांच ही करते रहेंगे। यहाँ सत्ता भी बदल जाएगी ना तो जांच चलती रहेगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, नहीं होगा बताएगा, ये तो वक्त बताएगा होगी गिरफ्तारी। क्यों आपको ऐसा लगता है? देखिए मोदी जी ना डरते हैं, ब्रिजभूषण से डरते हैं। क्यों? उनकी सीट कौन लेके आता है? 56 इंच का, 6 इंच का भी नहीं है, 1 इंच का नहीं है। चीन डरता है, इतना कब चीन कब से कट गया? चीन अंदर आ गया, उसकी कोई बात नहीं होती। किसको दबा रखा? पाकिस्तान में टमाटर 200 रुपए किलो, पाकिस्तान में आटा 500 रुपए किलो, पाकिस्तान में भुखमरी हो रही है, पाकिस्तान में हो रहा है। पहले अपना देश देखो ना, तुम्हारे देश में क्या हो रहा है, बाद में करना पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान मोदी जी को इतनी मोहब्बत पाकिस्तान से क्यों है? इंडिया से उनको मोहब्बत क्यों नहीं है? वो इंडिया की बात क्यों नहीं करते? क्यों वो पाकिस्तान की बात करते हैं? इसलिए बात करते हैं, नवाज शरीफ के साथ में उन्होंने हाथ मिलाया था, इमरान खान के साथ उन्होंने बिरयानी खाई थी, वो इसलिए उनकी बात करते हैं। कभी इंडिया वालों की बात नहीं करी, वो इस में है, वो सत्ता में है, इंडिया ने उनको जिताया, यहाँ के लोगों ने उनको जिताया, यहाँ की कोई वो बात ही नहीं करते, सिर्फ बात ही वो ही करते। और चाइना से वो डरते, चाइना के लिए चुप्पी साथ रखी है, चाइना पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये है हमारे डरपोक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमें ये नहीं चाहिए। हमें नहीं जो कह रहे हैं वो भी उन्हीं के लोग हैं, दो चार कहते हैं, कौन कैसे शेर है, कैसे शेर है, उनके कहने से शेर हो गए, उनको जनता तो शेर नहीं बता रही। शेर वो जब होते, जब जनता के साथ अच्छा करते। एनआरसी में लोग बैठे हुए रोड पे, सबको तो रोड पे
लिया है। किसान हमारे भाई रोड पे बैठे हुए, आज बेटियां इंसाफ मांग रही है, वो कैसे शेर हैं? शेर नहीं है वो, वो गीदड़ है, वो गीदड़ से भी बदतर है। मोदी जी गीदड़ से भी बदतर है, डरते हैं वो, उन्होंने देश बेच दिया। ए डानी चुप देखिए, प्रधानमंत्री क्यों ऐसे चुप है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या क्यों देश उनसे नहीं चल रहा? उनसे देश क्यों नहीं चल रहा? अगर उनसे देश चलता वो अच्छी राजनीति करते, वो देश के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री अच्छे होते देश के। लेकिन हम कहेंगे भाई 140 करोड़ की जनता मेरे साथ, वो गोदी मीडिया टीवी पे दिखाती है, बाकी थी अब नहीं है। देखिए एक मिनट, कमल का फूल और सबकी फूल, ये पहले हो चुकी थी। अब लोग जान गए, कांची का तो कर्नाटक का मुंह पे चपाटा पर आए हैं। अब सन 2024 में देख रहे हैं कैसे जनता इनको भगाती है, ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये नहीं है। क्या कहते हैं, सब पे भारी है, एक अकेला सब पे भारी, सब पे भारी नहीं है वो, सबसे जीरो बेकार है, बेकार है दुनिया में। कहाँ बज रहा है? टीवी पे बज रहा है, आज तक को बज रहा है, जीरो डंका बजता ना, अगर डंका बजते ना तो आज उनकी किरकिरी नहीं थी। वो बाहर भी उनको सब बुरा बुरा कह रहे हैं, हाथ मिलाने लायक भी नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। ऐसी उन्होंने स्थिति क्यों बनाई वो जरा सोचे, वो देश के बारे में सोचे, वो इस चीज के बारे में सोचे, आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? जब भी कुछ भी उनकी पार्टी के लोग करते चुप बैठे रहते, पता नहीं दूसरी पार्टी के लोग अगर करते बड़ी जल्दी मुद्दा टीवी पे उछल जाता है, रोडों पे आ जाता है। अब क्यों नहीं बोल रहे? उनको बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। मीडिया के बारे में क्या कहें? देखिए गोदी तो मीडिया है, हमने तो टीवी फोड़ डाला, हमारी ताकत ये है सोशल मीडिया। आप लोग हमारी ताकत जो पूरी दुनिया में बात पहुंचाते हो, हमें इससे पता चलता है क्या हो रहा है। हम गोदी मीडिया की बात ही नहीं कर रहे, वो बिके हुए हैं।